आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ मैं ये बताऊंगा वोटर आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं। आपको कोई BLO के पास नहीं जाना पड़ेगा। BLO के पास आपका डॉक्यूमेंट जाएगा सबमिशन के लिए, वो सबमिट भी करेगा, वो सारा चीज़ वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है, वो भी घर बैठे बैठे। आप किसी के पास ना जाएं, कोई साइबर कैफ़े के पास नहीं जाएं, किसी को पैसे नहीं दें बनवाने के लिए। आपको मैं बताता हूँ वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाना है, सिंपल और सटीक तरीका से मैं बताऊँगा। सो फर्स्ट आपको वोटर आईडी कार्ड का एक ऐप आता है, वोटर आईडी कार्ड के नाम से ही होगा ये, वोटर हेल्पलाइन के नाम से है ये। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके तरफ से ये ऐप बनवाया गया है, तो मैं अपडेट करूँगा, आप सब डाउनलोड कर लीजिएगा। और वोटर हेल्पलाइन का आपको फर्स्ट एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो डाउनलोड होने देते हैं। जब डाउनलोड हो जाए तो फर्स्ट इंटरफेस इस ऐप का ऐसे होता है, तो आपको इस जगह जाना है, न्यू यूजर पे आपको क्लिक करना है। तो मैं न्यू यूजर ब्रश में यूज़ करता हूँ, ये न्यू यूजर है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आपको मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाना है, तो मोबाइल नंबर इस पर आप डाल के अकाउंट बनाइए। तो आप OTP डालिएगा, ईमेल आईडी पासवर्ड ही बना के आपका अकाउंट बन जाएगा। तो आप ये मोबाइल नंबर ये सब डाल के अकाउंट बन जाएगा। तो आप सो मेरा अकाउंट बन गया, अब मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है और पासवर्ड डालना है, तो लॉगिन हो जाएगा। जैसे मेरा लॉगिन हो गया, तो मैं फर्स्ट आपको इसमें प्रूफ में दिखाना चाहता हूँ, मैंने बहुतों का बनाया है मैंने। जैसे मैं ये अजय कुमार का मैं दिखाता हूँ, मैंने फ़िलहाल ही मैं बनाया हूँ, ये बन गया है, आप देख सकते हैं ये बन गया। और ये EPC नंबर है, ये EPC नंबर, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप कैसे बनाना है चलते हैं, मैं वो बताऊंगा। वोटर रजिस्ट्रेशन, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6 आपको फिलअप करना है, इंडिया। लेट्स स्टार्ट। आपका पहले से वोटर आईडी कार्ड है तो नो पे क्लिक कीजिए। आपका वोटर आईडी कार्ड फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यस पे क्लिक कीजिए। तो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, यस। स्टेट ऑफ, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड से बना सकते हैं। अपलोड आवर रिवलेंट, मैं यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगा। मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। ये एज डिक्लेरेशन आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं डाउनलोड करता हूँ एज डिक्लेरेशन PDF। मैं अपलोड कर दे एज डिक्लेरेशन फॉर्म, नेक्स्ट मैं क्लिक करूँगा। मैं आप फ़ोटो सही से डालें, क्योंकि यही फ़ोटो आपका वोटर आईडी कार्ड में रहेगा। नाम फिलअप करें, सो ये सब नाम
और ईमेल आईडी सब फिलअप कर दिया। आप इसमें से कोई आपको डिजेबिलिटी है तो आप वो भी आप फिल कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं है, तो मैं मोबाइल नंबर डाल के ये सब डाल के मैंने नेक्स्ट किया। अब यहाँ आपको डालना है रिलेटिव नेम और उसका आधार, वो जो होता है ईपीसी नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड का नंबर, यहाँ आपको डालना है। और वो रिलेटिव आपका कौन है, आपका भाई है बहन है, वो सारे इसमें फिलअप करना है। सो मैं फिलअप करता हूँ, मैंने वो सब फिलअप कर दिया। अब इस जगह एड्रेस आपको फिलअप करना है और पोस्ट ऑफिस एरिया और आपका स्टेट क्या है और डिस्ट्रिक्ट क्या है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये आपको आपके रिलेटिव के वोटर आईडी कार्ड पे दिख जाएगा। तो ये सब आपको अपलोड करना है, ये सब फिलअप करके आप डॉक्यूमेंट ये जो है आप इसमें से राशन कार्ड या प्रूफ में डाल सकते हैं या गैस सिलेंडर का या कुछ भी, या आप आधार पे क्लिक करके आप इस जगह आधार कार्ड अपलोड करके आप नेक्स्ट कर दें। तो मैं ये सब फिलअप कर तो मैंने ये सब फिलअप कर दिया है। ये जो आधार पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एड्रेस प्रूफ के तहत, तो आप आधार कार्ड अपलोड करें फुल आधार कार्ड। सो मैं नेक्स्ट करूँगा। इस जगह आप ये डालिए, आपसे पूछा जाएगा कितने साल से इस एड्रेस पर रह रहे हैं। मैं ये सब डाल दिया और नेम ऑफ एप्लीकेशन, प्लेस आप किस जगह से आप ये फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो मैं अभी फॉर्म अप्लाई किया हूँ भागलपुर से, डन करता हूँ और ये सब आपका प्रीव्यू आ जाएगा और कंफर्म पे क्लिक करना है। और ये जो आपका ये नंबर आया इससे आपको पता करना है आपका स्टेटस। तो आपका बहुत जल्द, मेरा तो 15 दिन में बन गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ अपना, ये देखिए मैंने बनाया था अपना, और ये मेरा है, यही मेरा नंबर है पैन ये वोटर आईडी कार्ड का। तो अब समझ गए होंगे कैसे बनाना है। सो मेरा बन गया है, मैं प्रूफ के साथ मैं डाउनलोड करके भी मैं दिखा देता हूँ। मैं प्रूफ मैंने डाउनलोडिंग किया हुआ डे यार, अच्छा ये देख लीजिए मैंने बनाया था अपना पैन कार्ड, ये वोटर आईडी कार्ड। सो अब नेक्स्ट वीडियो में डाउनलोड करने के बारे में भी बता दूंगा। सो आप देख सकते हैं मैंने बनाया। थैंक यू।